देखिए, हम और आप और यहाँ मौजूद सभी लोग मानव हैं, तो इसमें कोई शक है क्या? नहीं, शक नहीं है उसमें। हाँ, भी देखिए, मानव का निर्माण भी दो लोगों के मिलन से होता है। जिस देश में सनातन, मिश्रा जी मुद्दे पे आओ जल्दी, मैं आ रहा हूँ। हाँ। जिस देश में सनातन संस्कृति में आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भगवान श्री कृष्ण का नाम राधे के बिना नहीं ले सकते, हम प्रभु श्री राम का नाम माता सीता के बिना नहीं ले सकते। जहां पर धर्म ही दो लोगों पे डिपेंड करता हो, जहां की संस्कृति ही दो लोगों से बनकर चलती हो, वहां पर वो एकात्म की बात करते हैं, कैसे चलेगा ये? हम तो एकात्म की ही बात करते हैं। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि अद्वैत है विचारधारा। पता नहीं तुम्हें अलग अलग दिखता, मुझे तो एक ही दिखता है मिश्रा जी। मैं तो अद्वैत, मैं तो आप कह रहे हैं, मुझे तो सब एक ही दिखता है, लेकिन आपको अलग अलग दिखता है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, आपने फिलोसफी की बात करी तो मैंने कर ली। आप पूरी मुद्दे पे आओ जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इस देश के युवा को, इस देश की जनता को इस सरकार ने कहां ला के खड़ा कर दिया? आज हमें बहस करनी चाहिए थी कि 2014 से लेकर अब तक हम रोजगार कितना पैदा कर पाए, हमने कितने युवाओं का जीवन सुधार दिया, हमने किसानों की स्थिति कहां पहुंचा दी, हमने बेरोजगारों को कहां पहुंचाया, हमने जो गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास था, उसका जीवन स्तर कितना उठाया? मिसाल के तौर पे आंकड़ों की बात कोई नहीं करता, क्योंकि आज हमारे साथ डिबेट में विंग कमांडर अनुमा मौजूद हैं। तो मैं आ रहा था तो मैं अखबार पलट रहा था, तो पिछले 6 सालों में 10 गुना हमने निर्यात किया है। सिर्फ इक्विपमेंट्स की बात करें अगर, अयोध्या की रक्षा इक्विपमेंट्स की और टूल्स की, और वो है 16,000 करोड़। 22-23 की बात कर रहा हूं, हम सबसे ज्यादा आयात करने वालों में ऊपर थे। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं गुरुजी। अगर माल बनेगा तो आदमी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुजूर आली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हरा है, मैं ये कह रहा हूं कि पानी डालोगे तो हरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ हरा है। तो पिछले 6 सालों में 10 गुना हमने निर्यात किया है, हम सबसे ज्यादा आयात करने वालों की ऊपर वाली लिस्ट में थे। पहली चीज तो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और दूसरी चीज, आज ही हमारी भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद आपको। और भारत और इंडिया की बहस कर रहे हैं तो सूर्यकांत निराला त्रिपाठी निराला जी की कविताएं बोलूंगी मैं, एक कविता की लाइनें बोलूंगी। बिल्कुल प्रसन्नता के साथ सारे लोग सुनेंगे। भारत ही जीवन धन ज्योतिर्मय परम रमण सर सरिता वन उपवन, भारत ही जीवन धन भारत ही। तो भारत और इंडिया की बहस उन्होंने की है जिनके पास मुद्दे खत्म हो गए, जिन्होंने मोरवी के ऊपर बात करवाना बंद कर दिया, जयसुख पटेल को बाहर भेज दिया, जिन्होंने बालासुर की दुर्घटना पर किसको कितनी सजा मिली उसकी कोई बात नहीं की, जो हर रोज हेडलाइन बदलते हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में तो 255 से ज्यादा घोटाले किए हैं उन्होंने। तो ऐसी सरकार जिसको मुद्दे पर राजनीति करना नहीं आता, वो हमारे लोगों के सामने रोज एक नया मुद्दा, कभी यूसीसी की बात करेगी कभी किसी की। लेकिन आपको बता दूं, आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, मैंने बिल्कुल इसीलिए बुलाया है मैंने आपको। हाँ। क्योंकि भारतीय वायुसेना को विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, 3,000 जहाज खरीद कर कांग्रेस की सरकारों ने, और अगर दिया है तो अच्छा है, इसको स्वागत करना चाहिए। हनुमा जी स्वागत करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे 6 साल में 10 गुना निर्यात किया है, ठीक वैसे ही। देखिए, हमारा मुल्क वो है जिसके पास, कहने के लिए तो आप 56 इंच कहते रहिए, लेकिन सच में है 56 इंच। हम अगर उसी हृदय से चीजें स्वीकार करूंगा, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू द बीजेपी जी। देखिए, मैं अपनी बहन को कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, यहाँ के सभी लोग वही गुनगुनाते हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है। अभी तो हम भारत की बात करते हैं, हम संपूर्ण भारत की नहीं, भारत की बात में कोई छत से छलांग लगा रहा है, कोई पानी में कूदने जा रहा है, और जो भारत जोड़ो यात्रा करते थे वो भी भारत का विरोध करने लगे। अरे मैं कह रहा हूं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है तो नीचे भारत सरकार भी लिखा जाता है। हमारी बहन ने पूछा, हमने किया क्या? हमने सैनिकों के सम्मान बढ़ाने का कार्य किया, रोजगार देने का कार्य किया, आवास, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का कार्य किया, और अपने
अपने वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य किया। सेना को पूरी तरह बर्बाद किया। यह पूछिए कितने लोग अग्निवीर बनना चाहते, पूछिए इनसे, और अंदर से पूरी तरह सेना को। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए देखिए, बोलने का इख्तियार सबको है, कांग्रेस भी अपनी विचार रखेगा, लेकिन मैं अनुमा, मैं एक बात अनुमा जी से जरूर कहूंगा कि जो वीर सैन वो जो योजना थी, उस योजना पे सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान था, ये जरूर आप मुझे बताइएगा ना। प्लीज स्टार्ट। जी मैं खुद एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूँ मैडम की तरह, तो एक्स आर्मी मैन। यस, सो मैं एम एक्स मिलिट्री ऑफिसर, तो मैं काउंटर करना चाहूंगा, बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करूंगा। सो इंडिया में जो हमारी 1971 वॉर के बाद जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की, चूंकि मैडम इंडियन एयरफोर्स से हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो थी वो 42 थी, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में 10 साल में हमने एक भी जहाज नहीं खरीदा, एक मिनट, ठीक है। लास्ट हमने मेन एयर, मैं मुझे बोलने दीजिए ना मैम, प्लीज। लास्ट जहाज जो हमने खरीदा 1991 में सुखोई खरीदा, जो कि थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट था। पाकिस्तान के पास फैल्कन 16 फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट थे। 10 साल हमने कोई जहाज नहीं खरीदा। हमने राफेल जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। कैन यू गिव मी अ सेकंड, कैन यू गिव मी, आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर का मतलब ये होता है कि डिसिप्लिन। और मैं मैम मैम बीजेपी भी झूठ बोल रही है, जनता भी झूठ बोल रही है, कसम खुदा की, वहां खड़े रह रहा हूं चुप बच्चा आ रहा हूं, यू जस्ट प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। सो हमारी जो स्क्वाड्रन गिर के 26 हो गई 42 से, जो कि 1971 में हमारा जो थ्रेट परसेप्शन था वो हमारा या तो पाकिस्तान से लड़ाई के साथ था या हमारा चाइना के साथ लड़ाई के साथ था। अभी हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है, हमारे टू फ्रंट वॉर हो सकती है, नॉर्दर्न फ्रंटियर और वेस्टर्न फ्रंटियर पे। हमारी जो स्क्वाड्रन है वो बढ़ के 56 होनी चाहिए, 42 से बढ़ के 56 होनी चाहिए। हमें बढ़ने की जगह हमारी कम हो गई। इतना कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं, जिग्नोइज्म पेट्रियोटिज्म करने से कुछ नहीं होता। अगर 2012-13 में अगर पाकिस्तान हम पे अटैक कर देता और हमारी एयरफोर्स टू एयरफोर्स लड़ाई होती, हम कमजोर थे। अभी हमने 4 स्क्वाड्रन बढ़ाई है लास्ट साल में, अभी हमारी 26 से बढ़ के 30 स्क्वाड्रन हो गई है, ठीक है, जिसे 4.5 विद अ मॉडर्न एयर। ऑफकोर्स आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू बिकॉज आप आर्मी ऑफिसर भी हैं और कांग्रेस से भी हैं, ऑफकोर्स, और सारे जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा, ये ना बोला करिए बार बार कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं और मैं जहाज की खरीद से जुड़ी हुई ऑफिसर हूं। कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो मैं बात नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है, जो सुखोई 30 है उसका 250 क्वांटिटी कांग्रेस की सरकारों के समय में वो मटेरियलाइज हुआ है और उन्होंने किया था। दूसरी चीज, राफेल का 2007 में हमने टेंडरिंग की थी, उसके बाद टेंडरिंग नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास मिराज 2000-5 का एक ऑर्डर आया था जिसके ऊपर जॉर्ज फर्नांडिस ने साइन करने से इनकार कर दिया था और इसके कारण वो 10 साल का लैग हुआ। और आज भी मोदी सरकार ने सिर्फ 36 जहाज खरीदे, 3000 जहाज भारतीय वायुसेना ने कांग्रेस की सरकारों के समय खरीदे। जी, वन बाय वन। सर यहाँ से शुरुआत किया जा रहा है कि भारत में विभाजन की बात हो रही है। आज देखिए 2014 के बाद देश विकास की बात कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी, कहते हैं 24 में इसलिए मुझे देना क्योंकि हम भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये लोग भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूट गया है, भारत में नफरत की बाजार सज गई है, ये देश इसी धर्म की राजनीति जो कांग्रेस ने दी उससे ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के राय और योगी जी, आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम जातियों से ऊपर उठे तो 30 लाख करोड़ का यूपी में निवेश आया और हम जातियों में बटे थे तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक गुंडा पैदा किया था इन लोगों ने। जब विकास की बात शुरू होती है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए कभी नफरत की बाजार, कभी ये जोरो, कभी ये तोरो, ना हम टूटे थे ना हम टूटेंगे। हाँ, आज के पूर्वजों ने भारत को कई टुकड़ों में, देखिए हम, अरे बोलो, अगर ज्यादा चढ़ गई तो बोलो, उतार तो मैं बड़ी बड़ों की दी, तुम्हारी भी उतार दूंगा। मैं ऑफकोर्स मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मैंने आपसे आगाज किया था, अयोध्या से अच्छा आगाज कहीं से हो नहीं सकता था मिश्रा जी, तो मैंने अयोध्या सही किया। लेकिन जी बिल्कुल, बहस दरअसल क्या है, आपने अमित जी एक बात कही कि इनके पूर्वजों ने, अगर इनके पूर्वज हैं तो वो मेरे भी पूर्वज हैं, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं,
उनके भी पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं वो। हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मैंने कहा कि किसी से हमारी मतैक नहीं हो सकता, हो सकता है कि हमारा डिफरेंस हो किसी बात पे, विचार पर हम न मिलते हों, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाप बाप नहीं है, बाप बाप ही है, हम मानते हैं उसको। लेकिन हाँ, जहां पे हम खड़े हैं उसका क्रेडिट देना सीखिए, तभी बेहतर है। जी अरोड़ा जी। प्रतीक जी, ये तेरा नाम, ये मेरा नाम, ये देश में हो क्या रहा है? राहुल गांधी ने जैसे एक साल हो गया भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो भारत का नाम लिया, ये हो क्या गया है? नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू कैसे बना? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, इन्हें हो क्या रहा है? अगर इंडिया आई डॉट एन डॉट डी डॉट इंडिया लिख दिया, इनको परेशानी किस बात की है? इनको अयोध्या के साथी ने बोला था परेशानी इस बात की है, रोजगार नहीं दे पा रहे। नोएडा में कितने लोग बैठे हैं जिनको रोजगार मिला? महंगाई बता दें, जितने लोग बैठे हैं महंगाई कितनी है आप बता दें कि महंगाई है नहीं है। और जिस प्रकार से झूठी मार्केटिंग नहीं करनी, रोजगार आपने दिया नहीं, विकास आपने दिया नहीं, और नहीं सुनिए सुनिए आया 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 जी जनाब। सर 100 रुपए की जगह 200 रुपए भी लीटर तेल होगा ना तो भी तैयार है मोदी जी के साथ दिल से। नहीं 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 नहीं, हाँ जी ये कनॉट प्लेस में भी आते थे, ये जो ऐसा है कि कौन कौन वाले कौन वाले कौन वाले ये वाले ये कनॉट प्लेस में भी आते थे आप? मैं एक बार आया हूँ वहाँ पे। कनॉट प्लेस भारत का हिस्सा नहीं है, वो भारतीय नहीं है, आपका जो विरोध करे उसको पाकिस्तान। मुझे बोलने का हक नहीं है क्या? मुझे बोलने का हक नहीं है क्या? मेरे को पूरा बोलने का हक है, मैं बोल सकता हूँ। अरे मोदी जी से तुम्हें इतनी चिड़ है कि पूछो नहीं। अरे मोदी जी का काम देखो, मोदी जी एक एक काम की कार्यशैली देखो काम। बोले मोदी जी से चिड़ नहीं है, मोदी जी के भक्तों से चिड़ है। मुझे मुझे किसी ने कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको मैंने मुझसे सुनिए, मुझसे ज्यादा कोई जानता है क्या? मैंने आपको कनॉट प्लेस में कभी नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए बहुत आइए, जरूर आइए, और अगर किसी को किसी के आने से दिक्कत होती है, हाय अल्लाह, किसी को किसी के आने से दिक्कत है, अरे तुम्हारे पास विचार है तो विचार रखो, और अगर तुम्हें कबड्डी खेलनी है तो कहीं जाके कबड्डी खेलो, विचारों की लड़ाई है। बोलो क्या कह रहे थे? सर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ना, अगर हमें 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल, ये कौन सा तर्क हुआ भाई? सिंपल है, जो मोदी सरकार कर रही है ना वो कोई नहीं कर सकता। आज G20 हमारे देश में हो रहा है, बताओ इससे पहले कब हुआ? कब हुआ जी? अरे भाई गुट निरपेक्ष हुआ, इसी मुल्क में गुट निरपेक्ष भी हुआ। अच्छा शायद पैदा ना हुए हो आप, या होंगे तो छोटे से होंगे। बिल्कुल सर, तो गुट निरपेक्ष हुआ। जो देश को आगे आज मोदी जी ले जा रहे हैं, जो युवाओं को उन्होंने सोच दिए कि देश के लिए अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो देश के साथ कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ सर, अगर कहीं जंग होती है मैं फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं 200 रुपए पेट्रोल भी ले लूंगा। वो कह रही है मोदी जी के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि पकौड़े तलो आप। मैं पकौड़े नहीं करता, मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता हूँ और अच्छी खासी सैलरी है, और मोदी जी आएंगे अगले 2024 में भी। देखो अयोध्यापति, अयोध्यापति से ज्यादा बहस नहीं होती, वो आराध्य हैं। अंदर आ जाओ, और कोई दिक्कत नहीं विचारों से। मिश्रा जी ये ना सोचना कि लॉटरी लग गई, खड़े ऊपर पायदान पर और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा रखना। अरे ये विचारों की लड़ाई है, ये मेरा जो मेरा खून वही इनका खून। ये अगर ये कह देते हैं कि मोदी जी आपकी ये नीत मुझे अच्छी नहीं लगी तो क्या ये मेरे विरोधी हो गए ना? क्या हुआ, वक्त ब्रेक हो गया क्या? नहीं, पहले सौरभ जी से सुनेंगे। देखिए ये बड़े दुख का विषय है कि दो सेना के लोग शौर्य की बात जब सड़क पे करते हैं, इससे गलत बात नहीं हो सकती। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भारत पाकिस्तान से कभी नहीं हार सकता, ना हारा है, क्योंकि भारत हथियारों से ज्यादा हौसलों से लड़ा है। लेकिन रही बात, देखिए आप इंडिया की बात कर रहे थे तो अभी आपने आर्टिकल 1 का जिक्र
जी वैसे तो ब्रेक का समय है, लेकिन मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, जब कोई लॉजिस्टिक से, कोई विचार से, कोई तर्क से बात रखता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और मेरी डिबेट सड़क पर ही होती है जिसमें आप सजे हुए खड़े हैं। तो ऐसा गुमान मत पालिएगा कि सड़क पे लॉजिक की बात नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स हो सकती है, अगर आप निकले हैं मेरे पास आए हैं तो आप मेरे सिरमाथे हैं, आप रोज आइए, यहां आइए, चाहे कैनॉट प्लेस आइए, वक्त छोड़।